अभी हाल ही में दिल्ली में एक युवती की दिन दहाड़े बेरहमी से एक नराधम द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना से एक बार फिर पूरा देश दहल गया। वहीं मनसे की ओर से इस घटना को लेकर जाहिर निषेध व्यक्त किया गया और मृतक युवती को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए किस प्रकार की कड़ी शिक्षा देने की मांग की गई, देखिए इस खबर में। अभी हाल ही में दिल्ली में 28 मई को दिन दहाड़े एक युवती की एक नराधम युवक द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस घटना से एक बार फिर पूरा देश दहल गया है और हर तरफ इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है तथा इस घटना के संबंध में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इस घटना को लेकर मनसे की ओर से भी जाहिर निषेध व्यक्त किया गया तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक में इस युवती को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर मनसे विधि विभाग की एडवोकेट मंजू लेडांगे के साथ अन्य मनसे के पदाधिकारी जो मनसे सैनिक उपस्थित थे। तो सुनिए इस मौके पर मंजू लेडांगे ने इस घटना का जाहिर निषेध व्यक्त करते हुए क्या कहा स्वयं उन्हीं की वाणी। जय महाराष्ट्र, मैं एडवोकेट मंजू लेडांगे, मनसे विधि जिल्हा अध्यक्ष। आज आम्ही दिल्ली येथे एका अल्पवयीन मुलगी साक्षी हिच्यावर एका नराधमाने चाकूचे 16-17 वार करून तिला दगडाने ठेचून तिची हत्या केलेली आहे। त्याचा जाहीर निषेध करण्याकरिता व तिला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरिता आम्ही आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते इथे जमलेले आहोत। आज दिल्ली इथे एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। एका मुलीला दिवसा ढवळ्यात लोकांसमोर तिच्यावरती चाकूचे वार केले व हे वार होत असताना तिथे 15-20 लोक उपलब्ध होते, परंतु एकानेही तिला जाऊन वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही। का? कारण आपली अर्थव्यवस्था, आपली कायदे हे कठोर नाही, त्यामुळे आज इतके लोक आरोपींची हिम्मत वाढलेली आहे की दिवसा ढळ्या मुलींवर बलात्कार केले जातात, मुलींचे मर्डर केले जातात। याकरिता आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या सर्व गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो व सदर घटनेला झालेला आरोपीला फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये सदर खटला चालवून त्याला फाशीची शिक्षा आरोपीला देण्यात यावी अशी आमची मनसेतर्फे सरकारला मागणी आहे। जर सरकारने त्याला फास्ट्रॅक कोर्टामधून निर्णय चालवून जर त्याला फाशी दिली नाही तर यानंतर आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा आम्ही इशारा सरकारला दिलेला आहे। सिटी के लिए हमारे प्रतिनिधि बरुआरकर की रिपोर्ट।